वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 43 और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, हम देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने किस तरीके से ग्रोथ किया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिया और पाकिस्तान तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम डेट पर इंडिपेंडेंस हुए थे उनको। भारत लगभग 15 अगस्त 1947 पर आजाद हुआ था और आपका पाकिस्तान लगभग 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, एक दिन पहले कह सकते हैं। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना लगभग 1 अक्टूबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 अक्टूबर 1949 को इंडिपेंडेंट हुआ था। तीनों देश ने इस दौर में, यानी कि 1949 से लेकर अब तक वो कितना ग्रोथ किए हैं, हम उसी के बारे में ये चैप्टर पढ़ेंगे और उनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा ग्रोथ किया और कौन पीछे रह गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो इंडिया और पाकिस्तान लगभग एक जैसे स्ट्रेटजी अपनाए, दे अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को तवज्जो दिया जाता है। वहीं पर चाइना ने अपनाया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है या सेंट्रल कोई अथॉरिटी होती है अपने हाथ में ले लेती है। तो भारत और पाकिस्तान का जो मॉडल था वो ऑलमोस्ट सेम था। भारत और पाकिस्तान ने ग्रोथ करने का जो मेन जिम्मेदारी था वो दिया, यानी कि प्राइमरी रोल दिया पब्लिक सेक्टर को। और चाइना ने, तो भाई चाइना सेंट्रल प्लान थे तो उसमें ऑलरेडी सबसे पहले वो रोल किसको दिए, प्राइमरी सेक्टर को। ठीक, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान ने प्राइमरी रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को, सेकेंडरी रोल दिया था प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की मजबूरी भी थी कि वो पब्लिक सेक्टर को प्राइमरी रोल देते ग्रोथ का, वो इस नाते क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था जो कि प्राइवेट लोग नहीं कर पाते उसकी, इसीलिए गवर्नमेंट को लीडिंग रोल दिया गया ग्रोथ करने के लिए। ठीक, लेकिन चाइना ने लीडिंग रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को और उसने प्राइवेट को कोई जगह ही नहीं दी थी। बाद में भारत ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया और भारत और पाकिस्तान दोनों ने लीडिंग रोल दे दिया था प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया, क्योंकि भारत की और पाकिस्तान की कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी। इस दौरान भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और चूंकि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट हम कई आस्पेक्ट में देखते हैं, लाइक कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है, ठीक है, लोगों का इनकम में क्या ग्रोथ हुआ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हेल्थ सेक्टर कैसा हुआ, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है कंट्री का। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आता है। ठीक है, तो अब चाइना की अगर बात करो तो चाइना लगभग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी था और उसने बाद में आकर अपने आप को मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो पहला हम किस बिहाफ पे कंपेयर करेंगे, जीडीपी ग्रोथ के मामले में। ठीक है, मैंने आपको बताया डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आएंगी, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, जीडीपी को भी चेक करेंगे कि तीनों देश की जीडीपी कैसी है, और अन्य सेक्टर में भी हम चेक करेंगे, हेल्थ सेक्टर में भी चेक करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में भी चेक करेंगे कि एक दूसरे देश की तुलना में कितना आगे बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। फिर से 1949 को चाइना इंडिपेंडेंट होता है और लगभग आज़ादी के 71 ईयर्स में चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनती है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, $12.4 trillion की इकोनॉमी बन चुकी है। ये सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ ये डाटा, ये 2017 का है, अब तक तो ये और आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो लगभग चाइना ने इंडिपेंडेंट के इन 71 ईयर्स में अपने आप को बहुत ग्रोथ कराया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें फेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ है तो चाइना ने लगभग 1949 से लेकर 1978 तक अपने आप को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के तहत चलाया। तो उस दौरान उसका जो ग्रोथ है 1949 से 78 तक वो 4% का है, और यहाँ से उसने अपने आप के कल्चर को बदला था। यहाँ से इकोनॉमी
सेंट्रल प्लांट से मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। और आप ग्रोथ रेट देख सकते हैं 79 से लेकर 2015 तक 9% का ग्रोथ हुआ। चाइना ने फर्स्ट अपना 5-ईयर प्लान 1953 में लॉन्च किया था, यानी कि देखो भारत और पाकिस्तान की तरह चाइना में भी 5-ईयर प्लान्स चले थे, यानी कि उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट को 5-5 ईयर्स के प्लान में उन्होंने भी डिवाइड कर रखा है। चाइना में एक कंपेन चला था 1958 में जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन। इकोनॉमिकल ग्रोथ करने का सबसे बड़ा रीजन चाइना का है GLF कंपेन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन। इस कंपेन के तहत गवर्नमेंट ने लोगों में अवेयरनेस फैलाया कि हर घर से कुछ ना कुछ बिजनेस करिए, आप लोग चाहे छोटे से छोटा भी बिजनेस करिए, लेकिन घर में कोई अपने घर के आंगन में ही छोटा सा बिजनेस शुरू करिए, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस करिए, यानी कि एवरीवन हैज टू बी द विटनेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे 10 लोग को लेके ग्रोथ नहीं करना है, इस ग्रोथ में उन्होंने क्या किया था, सबको शामिल किया था। ठीक, ये था GLF कंपेन। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको बताना भूल गया, इस दौरान इन्होंने 1948 से लेकर 1949 से लेकर 1958 तक इन्होंने बहुत तेजी से अपने एग्रीकल्चर पे काम किया था। और इसके बाद आप देखो 58 में जब इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया था ठीक ठाक, तो वहां से इन्होंने अपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन स्टार्ट किया, जो इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स है जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहां तक पहुंचाया चाइना में। इस दौरान चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो प्रेसिडेंट थे माओ त्से-तुंग, ठीक है इनका नाम याद कर लीजिएगा, बोर्ड में आता है पूछता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उस समय के प्रेसिडेंट थे माओ त्से-तुंग, ये इस चीज का विरोध कर रहे थे। इनके कहने का मतलब था कि चाइना चूंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है तो वो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ क्यों भाग रही है। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन चला था जिसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन, लगभग 1976 से 76 तक चला था। ये पूछता है एग्जाम में कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन कब आया था, तो याद कर लीजिए 1966 से 76 के दौरान चला था, और किसकी लीडरशिप में आया था, माओ त्से-तुंग के। ठीक है, तो ये जो थे इनका मेन मकसद ये था कि भैया चाइना अपने कल्चर को ना खोए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ मत भागे, कैपिटल इकोनॉमी मत बने, तो ये विरोध कर रहे थे। हालांकि बाद में ये मारे गए या हट गए, इनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जब हटे तो फिर चाइना ने अपने आप को पूरा कैपिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा लिया। ठीक है, चाइना ने भी भारत और पाकिस्तान की तरह अपने आप को ग्लोबलाइजेशन किया, जैसे भारत ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया, भारत लेट हो गया, चाइना ने 78 में ही अपने आप को ग्लोबलाइजेशन कर लिया। इसलिए चाइना लगभग 2015 तक 10% पर एनम के स्पीड से रिकॉर्ड ग्रोथ कर रहा है। चाइना चूंकि सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी हो गया, इस नाते उसका ये ग्रोथ हो रहा था। चाइना ने बेसिकली फोकस किया एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। उनका कहना यह था कि हम अपने कंट्री के अंदर बेचने से बजाय हम बाहर बेचना ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, यानी कि शुरुआत में उन्होंने भी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई थी, बट बाद में 78 के बाद उन्होंने अपनी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को हटाकर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा बनाने पे प्रिफर करने लगे। और चाइना एक तरीके से पूरा हब बन चुका था कि वहाँ पर दुनिया भर के लोग आते थे प्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड द चीप लेबर फोर्स इन द कंट्री। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना FDI में भी बहुत तेज ग्रोथ किया है। उसके दो कारण मुझे जहां तक समझ में आते हैं, एक तो चाइना ने शुरुआत से 100% FDI अलाउ कर दिया। ये 100% FDI का क्या मतलब, जैसे भारत में आप देखो तो भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी शुरुआत में आती थी तो बिजनेस को अकेले नहीं कर सकती थी, उसको किसी कंपनी के साथ मर्ज करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भारत में 100% FDI नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, होंडा जब बिजनेस करने आई भारत में तो बाइक सेक्टर में 100% FDI नहीं था, तो उसको हीरो के साथ, जो कि इंडियन कंपनी थी, उसके साथ मर्ज होकर बिजनेस करना पड़ा। ठीक है, तो चाइना ने लेकिन शुरू से ही 100% FDI दे दिया था कि आप आइए अपना बिजनेस लगाइए और बिजनेस करिए, चाइना को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, इन जोन्स में बिजनेस करने पर गवर्नमेंट पूरा 24 आवर्स लाइट देती है, चीप लेबर प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल लॉज होते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप होते हैं। तो चाइना ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए SEZ का डेवलपमेंट किया और 100% FDI अपने यहाँ पे लागू कर दिया। तो इसी के चक्कर में 2010 में चाइना दुनिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज में इसका नाम शुमार हो गया।
चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर अपने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये था चाइना का एक तरीके से, हमने एक शॉर्ट में आपको उसका एक बता दिया कि वो कैसे ग्रोथ किया। हालांकि 2015 में जब ग्लोबल मार्केट में मंदी आई है तो चाइना पर भी काफ़ी असर पड़ा, और चाइना में भी कुछ करप्शन वगैरह के कारण चाइना की इकोनॉमी में भी जो 2015 तक ग्रोथ था वो ग्रोथ में थोड़ी स्लोनेस आई है, लेकिन चाइना अभी भी आपके बाकी देशों की तुलना में काफ़ी आगे आ चुका है। तो ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अपनाई, ये इसने 79 में अपनाकर दुनिया को एक तरीके से समझा दिया कि भले ही दुनिया की हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बावजूद इसके हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चाइना ने एक तरीके से काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमें इस डेटा को याद करना होगा। ठीक है, तब हम एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको चाइना का ग्रोथ स्टोरी बता रहा हूँ, अगले वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी को समझेंगे और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग ये वीडियो अच्छे से, मेरे पढ़ाई में आप ये वीडियो अच्छे से समझिए, बिकॉज आपके ये लास्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा आपके इस चैप्टर में ही डेटा है, इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा डेटा आपसे पूछे जाएंगे। तो एक एक डेटा, जैसे यहाँ पर चाइना में फाइवर प्लान कब आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन कब आया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन कब आया, ठीक है, किसके लीडरशिप में आया, ये सारे डेटा आपको याद करने होंगे। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी कब आया, ठीक है, चाइना ने लिबरलाइजेशन कब अपनाया, ग्लोबलाइजेशन LPG कब अपनाया चाइना ने, तो ये सब डेटा आप अच्छे से समझिए और याद करिए। इस चैप्टर से आपका केवल डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं आपको फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। जय हिंद।